नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राम वर्मा और आज मैं आपके लिए लाया हूं सीजी बोर्ड का असाइनमेंट फर्स्ट इंग्लिश सब्जेक्ट का। तो आज हम ये असाइनमेंट सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखते हैं क्या है। तो ये जो है आपको टोटल 20 नंबर का दिया है और इसको आपको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन जो है, आपको एक पैसेज दिया गया है, पैसेज से आपको पढ़कर उसका आंसर, कुछ क्वेश्चन दिया है उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आपको एक पैसेज दिया है, पैसेज आप पढ़ लीजिए और उसको पढ़ने के बाद यहाँ कुछ क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर पैसेज में ही है, वो हम ढूंढ के मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ कहाँ है, वो आपको लिखना है। तो उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आपके जितने भी असाइनमेंट आने वाले हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाए। तो पहला क्वेश्चन ये है, डिस्क्राइब द मैन हु ग्रीटेड देम एट द स्टेशन। तो उस इंसान के बारे में बताना है जिन्होंने स्टेशन पर ये नैना और अजीत का स्वागत किया था। तो उस हिसाब से इसका पहला जो आंसर है वो यहाँ पर है, देखिए यहाँ पे ये वाला, अ लार्ज वेल बिल्ट मैन, ये आएगा इसका आंसर यहाँ तक, मेन तक, ठीक है। तो पहले में आपका आएगा ही वाज ए लार्ज वेल बिल्ट मैन, मैन तक आपका ये आंसर आएगा, ठीक है। और सेकंड है ही वाज वेयरिंग, वियरिंग मतलब पहनना, तो क्या पहना था, वियरिंग में यहाँ से आप लिखेंगे अ वाइट धोती एंड कुर्ता, ठीक है, अ वाइट धोती एंड कुर्ता, इसका आंसर ये यहाँ पर है, ये देखिए वाइट धोती एंड कुर्ता, ठीक है। और तीसरा जो है ही, और बीच में छोड़ दिया और हेड है, तो उसने हेड सर पे क्या पहना था, तो उसका आंसर यहाँ पर है ह्यूज। देखिए यहाँ पे ह्यूज लिखने के बजाय यहाँ पे ई मिस्टेक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको करेक्ट कर लीजिए, ई आएगा HUGE ह्यूज, तो इसका आंसर आएगा यहाँ पर ही वाज वियरिंग ह्यूज टर्बन, ठीक है, ह्यूज टर्बन ऑन हिज हेड। अब इसको मैं आपको पैसेज में इसलिए दिखा रहा था कि आपको यहाँ से ढूंढ कर आप लिख सकते हैं, ऑलरेडी उसको ढूंढ के मैंने उसका आंसर बनाया हुआ है, आप लोग उसे भी देख सकते हैं। तो ये है आपका पैसेज जिसका आंसर मैं ऑलरेडी यहाँ पर बना चुका हूँ, तो जो आंसर मैं आपको बता रहा था वही है। तो ये है आपका 4th नंबर का, यहाँ तक हो गया था आपका, ही ग्रीटेड देम विथ फोल्डेड हैंड, ये वाला आएगा आपका 4th वाला आंसर, ठीक है। अब देखिए बी में, फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्रॉम द डिक्शनरी एंड मेक अ सेंटेंस ऑफ योर ऑन फॉर ईच ऑफ देम, ठीक है। तो जो दिया गया है आपको शब्द उसका मीनिंग निकालना है, डिक्शनरी देख सकते हैं आप लोग, और उसके बाद उसी शब्द से आपको एक वाक्य बनाना है। तो आप लोग डिक्शनरी में ढूंढ कर देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि डिक्शनरी मत देखिएगा, आप लोग खुद से भी चेक कीजिए, डिक्शनरी देखिए और सेंटेंस आप लोग अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, ठीक है। ट्रंडल, ट्रंडल आपको सेंटेंस में आया था, ठीक है। तो ट्रंडल तो उसका मतलब होता है लुढ़कना या फिर चलना, तो वहाँ पर सेंटेंस जो आया था वो था आपका द कार ट्रंडल ऑन फॉर ऑलमोस्ट एन आवर टिल दे फाइनली रीच द विलेज। तो कार्ट के लिए हुआ था, बैलगाड़ी के लिए, मतलब बैलगाड़ी चलकर, ट्रंडल शब्द का गड़गड़ा कर चलना या लुढ़कना उसका मतलब होता है, तो उसी का आपको वाक्य में प्रयोग करना है। तो ऐसे चीज़ों का आपको वाक्य में प्रयोग करना बहुत आसान होता है, आप मेन उसमें देखिए जो पैसेज दिया है, तो पैसेज का ही सेम बनाइए और जहाँ पे उसने कार्ट यूज किया है उसके जगह आप ट्रेन यूज कर सकते हैं, दूसरा कोई जो व्हीकल होता है उनको यूज कर सकते हैं, और जो प्लेस वो जा रहा है उस प्लेस का नाम चेंज कर सकते हैं। देखिए मैंने कैसे बनाया, वो पैसेज से ही बनाया है, एकदम आसान होता है दोस्तों, ये एक ट्रिक है
कि अगर वाक्य में प्रयोग करना है और पैसेज के वर्ड है तो पैसेज को देखिए और पैसेज में जो यूज किया उसके कुछ, जैसे व्हीकल के नाम चेंज कर दीजिए, प्लेस के नाम चेंज कर दीजिए, वहाँ पे नेम को चेंज करके आप अपना वाक्य बना सकते हैं। तो मैंने क्या किया, कार्ट के जगह पे ट्रेन डाल दिया, ठीक है। तो नया वाक्य जो बना है, ट्रेन ट्रंडल्ड ऑन फॉर ऑलमोस्ट 6 आवर टू रीच द दुर्ग स्टेशन, ठीक है, एकदम करेक्ट वाक्य है। आप ऐसी खुद से बनाना सीख सकते हैं। ये एक ट्रिक है कि अगर आप पैसेज में का वर्ड अगर दिया है आपको, अगर उसका बनाना है नया, तो फिर आप उसी का नाम चेंज कर दीजिए और बन जाएगा वो। दूसरा शब्द है डायलेक्ट। अब ये डायलेक्ट आपका आया था जो पैसेज में, दे स्पोक इन अ डायलेक्ट विच नैना एंड अजीत फाउंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो डायलेक्ट मतलब ये होता है बोली, भाषा, और ज़्यादा कि ये रूरल एरिया में जो होते हैं वो भाषा डिफिकल्ट होते हैं, है ना, तो उस टाइप का ये भाषा है, तो उसका आपको वाक्य में प्रयोग करना है। तो मैंने अपने हिसाब से किया, छत्तीसगढ़ी इज़ अ वेरी स्वीट डायलेक्ट एंड आई लव टू स्पीक इट। आप अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं ना, बहुत से वाक्य बनते हैं, ये मैंने बनाया है। अलाइटेड तीसरा शब्द है आपका, अलाइटेड, और उसका मीनिंग है उतरना। उसका वाक्य में प्रयोग है, वी ऑल अलाइटेड एट रायपुर एयरपोर्ट इन द इवनिंग, ठीक है, हम सभी लोग रायपुर एयरपोर्ट पे शाम को उतरे, है ना। इसमें भी वही था जो अलाइटेड यूज किया, दे अलाइटेड इन द ग्रीटिंग नाना जी, नहीं, दे अलाइटेड इन फ्रंट ऑफ लार्ज ब्रिक हाउस, वो बड़े से ईंटे वाले घर के सामने उतरे, है ना। तो उसी चीज़ का हम लोग यहाँ पे समझ कर उपयोग कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया है, हाउ कैन यू शो द लव फॉर योर कंट्री इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन। तो ये आज के डेट के बारे में क्वेश्चन है कि अभी जो महामारी चल रहा है, तो इस सिचुएशन पे आप अपने देश के लिए अपना प्रेम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, ये ऐसा क्वेश्चन है। और उसके लिए हिंट दे के रखा है कि आपको मास्क शब्द यूज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग यूज करना है, और क्लीनिनेस ये यूज करना है। तो देखिए मैंने उसका आंसर कैसे बनाया है। तो उसका आंसर आपको 3 नंबर का कुछ है, तो 3 नंबर के लिए आपको ये सॉल्व करना है। तो 3 सेंटेंस लिखेंगे तो भी आपको 3 नंबर मिलेगा, मैंने 4 सेंटेंस बनाया है, आप इससे अधिक भी बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका आंसर ऐसे ही स्टार्ट करेंगे आप, आई कैन शो माई लव फॉर माई कंट्री इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन बाई डूइंग द फॉलोइंग थिंग्स। तो जो निम्नलिखित बातें हैं, ये निम्नलिखित चीज़ों को करके मैं अपने देश के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित कर सकता हूँ। तो उसमें पहला वाक्य जो है, मैंने ये लिखा है कि आई ऑलवेज वियर मास्क वेन एवर आई गो आउट ऑफ होम। मैं जब भी घर से बाहर जाता हूँ हमेशा मास्क पहनता हूँ, ठीक है। दूसरा वाक्य मैंने लिखा है, मी विथ माई फ्रेंड गिव अ प्लेंटी ऑफ मास्क फॉर फ्री टू द पुअर पीपल हु कैन नॉट। यहाँ पे मैंने कैन नॉट लिखना चाह रहा था, मेरे लिखने में थोड़ा ये है, हु कैन नॉट अफोर्ड इट विद देयर ऑन, ठीक है। तो मैं अपने दोस्तों के साथ, मैं और मेरे दोस्त ऐसे लोगों को फ्री में बहुत सारे मास्क बांटे जो वो खुद से खरीद नहीं सकते, ठीक है। ये दूसरा है, आई ऑलवेज मेंटेन सुटेबल डिस्टेंस वेन एवर आई गो फॉर ग्रोसरीज मेडिकल एंड अदर सोशल प्लेसेस आई अवॉइड हैंडशेक। इसका मतलब ये है कि मैं हमेशा एक निश्चित दूरी बनाकर रखता हूँ जब भी मैं किराना, मेडिकल और अदर जो सार्वजनिक स्थान है वहाँ पर जाता हूँ, और मैं हाथ मिलाने से भी मतलब मना करता हूँ, दूर रहता हूँ, हाथ नहीं मिलाता हूँ, ठीक है। और चौथा वाक्य मैंने लिखा है, आई रिपीटेडली वॉश माई हैंड विथ सॉप, और मैं अपने हाथों को हमेशा साबुन से धोते रहता हूँ। तो ये है मेरा देश के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करने का ये तरीका है। तो आप अपने हिसाब से भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो और दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि नेम द इंडियंस हु हैव रिसीव्ड
नोबेल प्राइज एंड देयर कैटेगरी। तो हमें ऐसे भारतीय लोगों के नाम लिखना है जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया है और वो किस चीज़ के लिए दिया गया है, ये भी लिखना है। ठीक है, आप ध्यान से सुने, सिर्फ नोबेल प्राइज दिया गया है किसको ये नहीं लिखना है, उसके साथ किस चीज़ के लिए उसको मिला है ये भी लिखना है। तो पहला है, आप इसको ढूंढ कर लिख सकते हैं, मैंने आपके लिए बनाया है, अमर्त्य सेन। तो पहला अमर्त्य सेन, इसको इकोनॉमिक्स के लिए दिया गया था 1998 में। ठीक है, दूसरा है सुब्रमण्यन चंद्रशेखर, इसको फिजिक्स में दिया गया था, फिजिक्स फील्ड के लिए 1983 में। तीसरा है हरगोविंद खुराना, इसको किसी मेडिसिन की शोध के लिए इनको दिया गया था 1968 में। चौथा है चंद्रशेखर वेंकट रमन, इनको भी फिजिक्स के लिए दिया गया था 1930 में। और पांचवा है रविंद्रनाथ टैगोर, इनको लिटरेचर के लिए दिया गया था, और वो लिटरेचर मुझे याद है वो एक काव्य था गीतांजलि नाम की एक रचना किया था इसने, उसके लिए इसको दिया गया था, बहुत फेमस हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर को लिटरेचर के लिए 1913 में दिया गया था। तो ये है आपके इंडियंस और उनके नोबेल प्राइजेस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन तीन में आपको क्या करना है, राइट टू सेंटेंस, वन हैविंग एडवर्बियल क्लॉज एंड द अदर मस्ट हैव एडजेक्टिव फ्रेज। तो दो वाक्य बनाना है, तो उसमें एक वाक्य, पहला जो आप वाक्य बनाओगे वो एडवर्बियल क्लॉज होना चाहिए और दूसरा जो है एडजेक्टिव फ्रेज होना चाहिए। तो एडवर्बियल क्लॉज जो है, ये हमारे पहले वाक्य में, एलिफेंट ऑल्दो दे आर लार्ज आर नॉट प्रेडेटर्स। ठीक है, तो एडवर्बियल क्लॉज वो होता है जो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है एंड दैट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड वर्ब, जो जिसमें सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है। तो यहाँ पर एलिफेंट जो है सब्जेक्ट यहाँ है, ये दे उसी के लिए यूज हो रहा है, तो सब्जेक्ट है और वर्ब भी है, आर है, लार्ज है, ये जो है उसका वर्ब हो गया, तो सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एडवर्बियल क्लॉज। और दूसरा जो आपको बनाना था एडजेक्टिव फ्रेज, तो एडजेक्टिव फ्रेज में द मूवी वाज नॉट टू टेरिबल। तो ये है आपका, ये जो मैंने ब्लैक में लिखा है ये आपका है एडजेक्टिव फ्रेज इस सेंटेंस के अंदर। ठीक है, एडजेक्टिव फ्रेज वो होता है जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में आपको बताता है, उसकी विशेषता बताता है। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव फ्रेज होता है। तो यहाँ पे नाउन क्या है, मूवी, और मूवी के बारे में विशेषता क्या बता रहा है कि नॉट टू टेरिबल, वो उतना भयानक नहीं था, तो ये मूवी की विशेषता बता रहा है आपको, तो ये इसलिए क्या है, ये एडजेक्टिव फ्रेज है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डू एज डायरेक्टेड, तो जैसा निर्देश दिया गया है वैसे उसको कीजिए, इसका मतलब ये होता है। तो एक सेंटेंस है, आई रीच द स्टेशन आई विल कॉल यू, तो ये दिया है, उसको करना क्या है, ज्वाइन द सेंटेंस यूजिंग वेन। यहाँ पे दो सेंटेंस है, देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ है, आई रीच द स्टेशन ये पहला वाक्य है, आई विल कॉल यू ये दूसरा वाक्य है। अब ये दोनों वाक्य को एक करके आपको लिखना है, तो एक करके कैसे लिखेंगे देखिए, और उसको लिखने के लिए जो जोड़ोगे आप वाक्य वो वेन लगाकर, वेन यूज करना है आपको। ठीक है, तो मैंने बनाया है, आई विल कॉल यू कॉमा वेन आई विल रीच द स्टेशन, यहाँ पे आई विल रीच द स्टेशन होगा। ठीक है, आई विल कॉल यू वेन आई विल रीच द स्टेशन। ठीक है, तो ये ऐसा बनेगा। दूसरा जो है, ओपनिंग द डोर ही वेंट आउट, इसको क्या करना है, मेक टू सेंटेंस फ्रॉम दिस सेंटेंस। अब ये एक ही साथ है, देखिए ओपनिंग द डोर कॉमा ही वेंट आउट, एक ही वाक्य है, इसको दो वाक्य बनाना है। तो दो क्रियाएं तो हो रही है, एक दरवाजा खोलने का और दूसरा बाहर आने का। तो ओपनिंग द डोर, अब इसको ऐसा नहीं लिखेंगे, ही लिखेंगे ही ओपेंड द डोर। ठीक है, उसने दरवाजा खोला,
उसके बाद दूसरा वाक्य होगा कि वह बाहर आया, उसने दरवाजा खोला, और दूसरा पहला वाक्य हो गया, और दूसरा उस वहाँ बाहर आया, तो ही ओपन द डोर, ही वेंट आउट। ठीक है, ये उसका आंसर होगा। अब थर्ड है, यहाँ पे कुछ वर्ड दिए हैं, फूड, पेंसिल, होप, मिस्टेक। तो क्या किक करने के लिए कहा गया है, विच डिटरमाइनर लिटल और फ्यू विल यू यूज फॉर द नाउन्स। अब ये जो नाउन्स दिए गए, फूड, पेंसिल, होप, मिस्टेक, इनके लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल होगा, लिटल या फ्यू? तो लिटल और फ्यू के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। तो लिटल उस चीज़ के लिए यूज कर किया जाता है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, या फिर इनविजिबल नाउन होते हैं उनके लिए लिटल शब्द यूज किया जाता है, और फ्यू उसके लिए यूज किया जाता है जिसे हम गिन सकते हैं। ठीक है, जिसकी गिनती हम कर सकते हैं, जो काउंटेबल नाउन होते हैं उनके लिए फ्यू यूज होता है, और अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए लिटल यूज होता है। तो यहाँ पे फूड देखिए, फूड एक नहीं होता है, फूड बहुत सारे होते हैं, तो उसको काउंट नहीं कर सकते, तो अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए फूड के साथ लिटल होगा। ठीक है, पेंसिल, अब पेंसिल को हम गिन सकते हैं, एक पेंसिल, दो पेंसिल, तो ये उसके साथ होगा फ्यू, काउंटेबल नाउन है, इसके लिए उसके साथ यूज होगा फ्यू। और तीसरा है होप, तो होप मतलब आशा, ये इनविजिबल है, इनविजिबल है, अनकाउंटेबल है, इसीलिए इनके साथ क्या होगा, लिटल। और मिस्टेक, गलती, तो गलती को हम काउंट कर सकते हैं, एक गलती, दो गलती, तीन गलती, इस तरह काउंट कर सकते हैं, तो इसके साथ यूज होगा फ्यू। तो आपको समझ आया, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक लेटर लिखना है, वो लेटर आपको क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, तो उसका आंसर मैं आपको दिखा रहा हूँ। अपने दोस्त को एक लेटर लिखना है, और आपका एड्रेस दिया गया है, और उसको अभी का जो सिचुएशन, आप अपने घर पे कैसे समय व्यतीत कर रहे हैं इस COVID-19 के टाइम में, वही आपको अपने दोस्त को लिखकर बताना है। आपका नाम है अनुज या फिर अंजू, अगर आप लड़की हैं तो अंजू यूज कर सकते हैं, अगर आप लड़के हैं तो अनुज यूज कर सकते हैं। आपका एड्रेस दिया गया है, A63 अवंती विहार रायपुर। ठीक है, तो लेटर का प्रारूप इस तरीके से रहेगा, आप पहले इधर लेफ्ट साइड में अपना एड्रेस लिखेंगे जो कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पे डेट लिखेंगे, फिर आपके फ्रेंड है तो फ्रेंड को हम लोग कैसे संबोधित करते हैं, डियर फ्रेंड, तो डियर फ्रेंड से आप लोग लिखेंगे, और उसको क्या करना है, आपका सब्जेक्ट क्या है कि टेल हिम अबाउट हाउ यू स्पेंड योर डे ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो अभी लॉकडाउन में आप अपने घर पे क्या कर रहे हैं, यही आपको बताना है। तो देखिए, आप सबका अलग अलग हो सकता है, मैंने कोशिश की है, आप देखिए क्या लिखा है। डियर फ्रेंड, आई होप ऑल इज़ वेल देयर। मैं आशा करता हूँ कि वहाँ सब कुशल मंगल होंगे, एंड यू आर स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विथ योर फैमिली, और तुम अपने परिवार के साथ एक अच्छा समय व्यतीत कर रहे होंगे। आई नो यू आर ऑल्सो होम क्वारंटाइन लाइक मी, मुझे पता है कि तुम भी मेरी तरह होम क्वारंटाइन हो। इट इज़ लिटल बोरिंग एंड अनोइंग, ये थोड़ा सा क्या है, उदा बोरिंग है, और थोड़ा सा चिड़चिड़ापन होता है घर पे रहना हमेशा के लिए, बट इट इज़ नेसेसरी फॉर आवर हेल्थ, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है हमारे स्वास्थ्य के लिए, एंड फॉर अदर्स हेल्थ टू, और दूसरों के स्वास्थ्य के लिए भी, अगर हम घर से बाहर ही नहीं जाएंगे तो दूसरों को भी हमसे कोई खतरा नहीं होगा। ठीक है, आई हैव स्टार्टेड, देखिए अब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि आई हैव स्टार्टेड स्टडिंग ऑनलाइन थ्रू यूट्यूब चैनल वीडियो। अब देखिए, इस समय हम क्या करेंगे, और हमारे छत्तीसगढ़ में अभी चल रहा है ऑनलाइन स्टडी, तो अभी घर पे बैठ के वही चालू है, तो उसी के बारे में बता रहा हूँ मैं कि हम यूट्यूब चैनल से वीडियो देख देख के पढ़ाई कर रहे हैं ना। आई हैव सब्सक्राइब सीजी बोर्ड यूट्यूब चैनल, मैंने एक चैनल है सीजी बोर्ड, उसको सब्सक्राइब किया है फॉर माई क्लास 10 मैथ्स एंड इंग्लिश। तो मेरे कक्षा 10वीं के गणित और इंग्लिश के लिए मैंने सीजी बोर्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है। इट हैज़ वेरी गुड कंटेंट ऑन मैथमेटिक्स, तो गणित के लिए वहाँ पे बहुत अच्छे से कंटेंट अवेलेबल है। आई रिकमेंड यू टू सब्सक्राइब इट फॉर योर हेल्प इन स्टडी, मोस्ट ऑफ माय टाइम स्पेंड ऑन माय स्टडी। ठीक है, तो तुम भी उसे सब्सक्राइब करो, तुम्हें भी वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा,
अपने दोस्त को बता रहा हूँ, ठीक है। आई स्टार्टेड डूइंग योगा इन द मॉर्निंग, और उसके साथ साथ मैं सुबह सुबह योगा करना भी चालू किया हूँ। अब आप अपने दोस्त को बता सकते हैं कि क्या क्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, फॉर्मल लेटर है और कोई डरने की बात नहीं। अपने दोस्त को लिख रहे हैं, अपने दिल में जो बात है सब कुछ लिख सकते हैं, क्योंकि कोई एकदम से ये लेटर नहीं है ये। अपने दोस्त को हम लोग अपनी बातें कैसे भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई एम वेटिंग फॉर द डे वेन द वैक्सीन फॉर COVID-19 विल डेवलप एंड ऑल बिकम नॉर्मल लाइक बिफोर एंड वी कैन गो आउट ऑफ होम एंड एंजॉय फियरलेसली। तो मैं ये कह रहा हूँ अपने दोस्त से कि मुझे उस दिन का इंतज़ार है जब COVID-19 का वैक्सीन बन जाएगा और सब कुछ पहले जैसे नॉर्मल हो जाएगा और हम लोग बाहर घूमने जा सकेंगे किसी डर के बिना, मतलब बिना विदाउट फियरलेसली ऐसा। और इसके बाद लास्ट में आपको एक लाइन और लिखना है कि टेल मी हाउ यू फीलिंग एंड स्पेंडिंग यूअर डेज एट होम, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। तो मैंने उसको ये भी पूछा है कि तुम घर पर क्या कर रहे हो ये भी मुझे बताओ और कैसा फील कर रहे हो, और मैं तुम्हारे पत्र का इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम्हारे जवाब का। यूअर लविंग अनुज। ठीक है, तो ऐसा है कि आप इसमें मैं एक टिप देना चाहूँगा कि ये आप क्लियर रखिए, ठीक है, यहाँ तक पैराग्राफ बनाइए बाकायदा, इसमें के एक दो लाइन आप लिखिए सेम, और उसके बाद जो बीच में मैंने जो लिखा है ये आप क्या करते घर पे ये खुद से आप लिख सकते हैं, ठीक है। आपने क्या किया है ये आप खुद से भी लिख सकते हैं, और अगर ये जल्दी जल्दी हो रहा है तो आप वीडियो को पॉज कर करके लिखिएगा आराम से, ठीक है, ऐसा। और लास्ट में आपका जो ये फॉर्मेट है योर लविंग अनुज, ये फ्रेंड के लिए होता है, ये ज़रूर लिखिए, इसके आपको नंबर मिलेंगे, बीच में आप लिख सकते हैं जो लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, अच्छा लगा हो और कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। आप कमेंट कम कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं लेकिन कमेंट नहीं आ रहा है आपके, तो कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा वीडियो, कहीं पे कुछ त्रुटि है, कहीं सुधार की ज़रूरत है, तो मुझे बिल्कुल ना घबराइए, मैं आपका दोस्त हूँ, आपकी उम्र का हूँ, ठीक है। तो मुझे बताइए क्या है प्रॉब्लम यहाँ पर, और नेक्स्ट असाइनमेंट मैं आपका जल्दी ही लाने वाला हूँ, जैसे ही आपके ऑनलाइन वहाँ पे आएगा क्वेश्चन तो मैं उसके आंसर आपको ला के दूँगा। तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबा के रेडी रखिए, ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और स्पेशल मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को मैं ये बोलना चाहूँगा कि मेरे चैनल पर मैथमेटिक्स का पूरा बेसिक लेवल से बनाया गया है वीडियो, आप उसे जाकर एक बार ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट अच्छे से बना के रखा गया है और एकदम बेसिक जानकारी से लेकर आपको दिखाया गया है वहाँ पे, तो आपको बहुत मदद मिलेगी, तो ज़रूर देखिएगा।